नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए यूपी की योगी सरकार नए नए प्लान पर अब काम कर रही है और अब योगी सरकार कोरोना से निपटने के लिए वीकेंड लॉकडाउन फॉर्मूला लागू करने वाली है। जी हां, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यूपी में अब हर हफ्ते वीकेंड लॉकडाउन लगेगा। प्रदेश में हर हफ्ते शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे, यानी कि प्रदेश में सभी बाजार और दफ्तर हफ्ते में केवल 5 दिन ही खुलेंगे। कोरोना संकट से निपटने के लिए ये नया प्लान लागू करने का फैसला ले लिया गया है। माना जा रहा है कि आज ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया था। तब से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने का ये प्लान लंबा चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर इस बात के संकेत दे दिए थे। बताया जा रहा है कि वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने का ये फैसला सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई टीम 11 की बैठक में लिया गया था। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ट्रांसमिशन चेन तोड़ने के लिए ये निर्णय लिया गया। बता दें कि यूपी से पहले कर्नाटक सरकार भी वीकेंड लॉकडाउन का फॉर्मूला अपना रही है। कर्नाटक सरकार भी पहले ही वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर चुकी है। कर्नाटक में 2 अगस्त तक हर शनिवार और रविवार को सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।